हमाद भाई मुझे बताएं प्लीज क्या हुआ है वहां पे। हयाज अगर मैं तुम्हें बता भी दूंगा तो तुम कर क्या लोगे? हमाद भाई मैं उस कमीने का खून कर दूंगा जिसने हमारी बहन के नसीब आंसुओं से लिख दिया है। अब हमारी बहन के नसीब में आंसू ही रहेगा। नेहा कहाँ जा रही हो तुम? शाजिया मैंने कहा था ना अदनान को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो मुझे लेने आए। I'm sorry, मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अम्मी जी के पास। अगर आपने चलना है तो चले। मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। शिराज आप क्या कह रहे हैं? नीचे मुड़कर सड़क से लेफ्ट हो जाना, आगे गली में घर है। ठीक है मैं जा रही हूँ। नहीं रहूंगी यहाँ, 2 मिनट में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई। हाँ शाजिया बोलो। शिराज भाई मैं काफ़ी देर से अम्मी को कॉल कर रही हूँ मगर अम्मी फ़ोन पिक नहीं कर रही हैं। दरअसल हम आपके घर आ रहे थे, मैंने बहुत कुछ मज़े का बनाया था, मैं सोचा कि हम सब बैठ के खाएं। मैंने वो घर छोड़ दिया। क्या मतलब? क्या मतलब कहाँ हैं आप शिराज भाई? बस करीब ही है, बताऊँगा तुम्हें। मुझे अपना एड्रेस बताएं आप। हाँ वो 7 वाली गली में लेफ्ट मुड़ते ही जो प्लाजा है, 2nd फ्लोर। ठीक है मैं आपके पास आती हूँ। ओके। शाजिया खाना बन रहा है ना जबरदस्त, तो 4-5 लोगों का इंतजाम कर देना, मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं ठीक है? अयाज ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो मामा के घर जा रही थी, बल्कि आप भी मेरे साथ चल रहे हैं। वापस आते हुए हम सब आप ही से मिल के आएंगे। शाज़ी तुम्हें हर वक्त मैके जाने की क्यों पड़ी रहती है? अयाज मैं जब से खुद से मामा के घर से आई हूँ तब से दोबारा मामा के पास नहीं गए। अच्छा छोड़ो ना, बाद में चले जाएंगे यार। मेरे ख्याल से आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? शायद अदनान की बातों का असर ज्यादा ही हो गया आपके ऊपर। मुझे अदनान से मतलब, वो तो एक्चुअली मैं इस वजह से कह रहा था कि तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता घर में, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी नज़रों से दूर ना जाओ। तो मैं कब आपके बगैर जाना चाहती हूँ, तभी तो आपसे कह रही हूँ कि आप भी मेरे साथ चलें। अच्छा प्लीज़ आज के लिए अपने दोस्तों का प्लान कैंसिल कर दें, फिर किसी और दिन पक्का 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 आई प्रॉमिस। कैंसिल कर दूँ प्लान तुम्हारे लिए? चलो कर दिया कैंसिल सारे प्लान शाजिया के लिए। थैंक यू। अच्छा मैं अम्मी को बता के आती हूँ। हाँ मैं भी अपने फ्रेंड्स को बता दूँ कि प्लान कैंसिल हो गया। हेलो हाँ। तुमने तो कहा था वापस नहीं आऊंगी, बड़ी जल्दी आ गई। यहाँ नहीं आती तो और कहाँ जाती? और कहाँ जाती इसका मतलब है मामा ने एक बार फिर तुम्हें बेइज्जत करके निकाल दिया घर से। चलो शुक्र है इस बार सर पर दुपट्टा तो है। बस करिए शिराज, सब आपकी अपनी गलती है। अम्मी जी को तो मालूम ही नहीं है और आपने घर भी बदल लिया। उन्हें पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे कि मैंने आपको भड़काया है। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहिए, बस मैं ये रोज रोज की चिक्की बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेशक अम्मी जी अपने मुंह से कुछ भी ना कहें और आप भी अपनी गलती ना माने, लेकिन ये घर बदलने का फैसला बिल्कुल गलत फैसला है शिराज। वक्त और हालात देखकर फैसला किया मैंने, तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता मैं। अम्मी ने हद कर दी और तुम। तो क्या हुआ, मैं बर्दाश्त कर लेती। वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता। शिराज, किस दुनिया में रहती हो तुम? कुछ ठीक नहीं होता। मैंने जो किया ठीक किया, मैंने सबकी जिंदगी आसान कर दी। शिराज, मैं कुछ नहीं जानती। आप अम्मी जी के पास जाएं, उन्हें मनाएं, उनसे माफी मांगें और मुझे वापस घर लेकर चलें, वरना मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगा। और ये अपनी वरना अपने तक रखो, समझी? तो फिर ठीक है, मैं भी तब तक आपसे कोई बात नहीं करूंगी। ओके फाइन, मत करो बात। मुझे भी बात नहीं करनी तुमसे, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, समझी? बात नहीं करूंगी। आओ! क्या कर रहे हैं आप? जला लिया ना हाथ अपना शिराज। मेरा दिल जल रहा है तो मैं हाथ की पड़ी। छोड़ो मुझे। शिराज, ये बच्चों की तरह क्यों जिद कर रहा है? लाई, मैं ठंडा पानी डाल देती हूँ। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो, तुम्हें तो बात नहीं करनी थी ना मुझसे। शिराज, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। इतना मैं ठंडा पानी लगाऊं उस पर? सही हो जाएगा अभी। बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं आप। क्या कर रहा हूं मैं? जानबूझ कर हाथ जलाया मैंने। ये कब कहा? आए इधर बैठे। ठीक हूं मैं। शिराज, इस तरह अनजान क्यों बन रहे हो? अम्मी जी के पास जाएं, वो पहले ही आप पे बहुत गुस्सा है। गुस्सा मुझ पे और निकालती तुम पर, इसलिए बार बार धक्के देके घर से निकाल देती। तो क्या बच्चे माँ बाप से मुकाबला करते हुए अच्छे लगते हैं? तो बड़े बच्चों को धक्के देके घर से निकालते अच्छे लगते हैं? अच्छा, बात नहीं करनी तो मत करो। खाने को दे दो, भूख लगी है। आप अंदर जाके आराम करें, मैं बनाती हूँ कुछ लाती हूँ। जान, बात सीते तुम दोनों। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। on a planned surprise. आओ बैठो। अपार्टमेंट तो बहुत प्यारा लिया है भाई आपने। भाई हमारी भाभी तो बहुत ही चालाक निकली, ज़ाहिर तो बहुत मासूम सी लगती थी, पेंडू सी। तुम होश में तो क्या बात कर रही हो? होश तो आपने खो दी अपनी बीवी की मक्कारियों के सामने। शिराज, तुम दोनों ने घर छोड़ के अच्छा नहीं किया। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था सिवाय इस रास्ते के कि अपनी माँ को इस उम्र में अकेला छोड़ दिया जाए और बीवी की जन मुरीदी की जाए। ये तुम हर बात में राबिया को बीच में क्यों ले आती हो? इसी वजह से मुझसे बात भी नहीं कर रही। ये भी एक ड्रामेबाजी है भाई, आपके सामने आंसू बहाना और मेरी मासूम सी माँ को आंखें दिखाना। मेरी राबिया ऐसी नहीं। शिराज, मेरी बात सुन, अम्मी और शाजिया के बीच में भी तकरार चलती रहती है और मैंने तो कभी फरार का रास्ता इख्तियार नहीं किया यार। यार, शमसा आंटी और अम्मी बहनें जरूर हैं, लेकिन दोनों की तबीयत में जमीन आसमान का फर्क है। आपको कुछ नहीं पता भाई, हर माँ एक सी होती है, वह औलाद तो आप जैसी होती है ना, खुद बस। ठीक कह रही, अच्छा नहीं किया तुम। मैं और कुछ कर भी नहीं सकता था यार, 10,000 और तरीके होते। शिराज, शिराज, मैं तो खुद तुम्हें इनवाइट करने वाली थी। लो चाय, बहुत अच्छा किया जो तुम। बस वैसे बहुत अफसोस की बात है राबिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी माँ के साथ इस उम्र में ऐसा करोगी, उन्हें दरबदर कर दोगी। शाजिया, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने किया? शिराज ने खुद ही फ्लैट खरीद लिया था, मुझे बताया तक नहीं है। बस कर दो, हर चालाक बहू ऐसा ही करती है, माँ बाप से बेटे को अलग कर देती है और सारा इल्जाम बेटे पे लगा देती है और खुद तो मासूम बन जाती है। शाजिया, जब शिराज मुझे इस घर लेकर आए थे तो मैं यहाँ से सीधा अम्मी जी के पास गई थी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर मुझे हाथ से पकड़ के घर से निकाल दी और तुम मुंह बंद करके चली आई, खसकम जहां पाक। मैंने उनके हाथ जोड़े, पैर पड़ी मैं उनके, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं मानी। हाँ तो मामा तुम्हें क्यों इजाजत देती? उनके बेटे को तो तुमने उनसे अलग कर ही लिया और खुद अच्छा बनने के लिए उनके पास अकेले चली गई। शाजिया, तुम अच्छी तरह जानती हो शिराज मेरी कोई बात नहीं सुनते, वो हमेशा अपनी मनमानी करते हैं। बस कर, मेरे भाई का नाम मत लो। कोई बेटा अपनी माँ से अलग होना नहीं चाहता जब तक कि बहू अपनी मक्कारियां ना दिखाए। शाजिया, जैसा तुम सोच रही हो वैसे कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, ये बातें बाद में करेंगे, तुम चाय तो पियो, पहली दफा आई हो। मकानिया मेरे सामने मत दिखो, नहीं पीनी मैंने कोई चाय हुआ है। शाजिया, शाजिया, इस तरह नाराज होके शाजिया, शाजिया, शिराज, इस तरह तो सारा इल्जाम राबिया के सर आ गया होगा, तुम्हें कम से कम उसकी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए था। ओह, तो आपको भी सिर्फ राबिया का ख्याल था? तुम चुप रहो शाजिया, तुम्हें इस मामले में कुछ नहीं पता। भाई, मामा ने मुझे भी बहुत रोका था। मामा मेरे वापस जाने की बहुत मुखालफत कर रही थी, मगर मैंने अपने शौहर को और अपनी ससुराल की इज्जत को बचाया। खुद अपनी मर्जी से वापस मैं अपने ससुराल गई। औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो फिर एक काम करो शाजिया, यहाँ से सीधा अम्मी जी के पास जाओ और उनसे कहो कि वो मुझे अपनी बहू तस्लीम कर ले। मैं सब कुछ छोड़कर उनके पास चली जाऊंगी, शिराज को भी। ओह, तो आखिरकार इल्जाम आ ही गया ना भाई पर। राबिया, तुम दोनों ने अच्छा नहीं किया। हर्फ तुम्हारी तरबियत पे आएगा। हाँ, तो सब कुछ करने वाली भी तो यही है। तुम हद से ज्यादा बड़ी हो शाजिया। क्योंकि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, बेटा नहीं। चले आयाज यहाँ से, मैं इस घर में और हर किसी नहीं रुक सकती। शाजिया, इस तरह नाराज हो के। शाजिया बैठो थोड़ी देर। शाजिया, शिराज आप रोके ना, इन्हें इस तरह मत जाने दें। जाने दो। शाजिया, शाजिया रुको। आती है आप जाए। नहीं क्यों भेज रही हो इसे? अंदर बिठाओ। और जॉब शॉप चल रही है या बेरोजगारी पर गुजारा हो रहा है? अगर तुम चाहो तो मैंने नेहा नई जो कंपनी शुरू की है वहां नौकरी दे सकता हूं मैं इसे। नेहा, मैं चलता हूं। वैसे बाय द वे ये जॉब भी बुरी नहीं है, बहन को लाना ले जाना, इसकी भी माकूल तनख्वाह मिल सकती है तुम्हें। अदनान, खुदा के लिए चुप हो जाओ। नेहा, अगर नेहा की जिद नहीं होती तो मैं तुम्हारी दहलीज पर कदम नहीं रखता। मेरी दहलीज पर कदम रखना मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि गैरत की खासी कमी है तुम लोगों में। अब देखो ना, तुम्हारी भाभी मेरे घर में मिन्नतें करके गई थी कि प्लीज मैं नेहा को एक्सेप्ट कर लूं। इससे तुम अपनी गैरत का मयार तो देख ही सकते हो। शराब! खबरदार मेरी भाभी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो वरना क्या कर लोगे तुम? तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगा। हम आदमी, तुम में अगर इतनी जरूरत होती तो यूं अपनी बहन को लेकर मेरी तहरीस पर ना आते। अदनान भाई, जरा भी गैरत है तो अपनी बहन को मेरी दहलीज से ले जाओ इसी वक्त। अदनान, आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूं मैं। इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था कि वापस मत आओ इस वैश्य और बेहिस इंसान के पास। जब तक ये मेरे पांव नहीं पड़ेगा नेहा इस घर में दाखिल नहीं हो सकती। खुदा के लिए ना, मेरे घर वालों को इतना जलील मत करें। और क्यों पकड़ेंगे हमाद भाई आपके पैर? आपने शुरू किया था, आप इस बात को खत्म करें। मैंने कहा ना, जब तक ये मेरे कदमों में नहीं गिरेगा मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूंगा। देखो रब्या, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हम लोग बना लेंगे मामा। बहुत बड़ी इंसान हूं मैं, गुस्सा आ रहा है मुझे अपने ऊपर। देखो रब्या, बस करे शिराज, आप तो बिल्कुल ही बेहिस हो चुके। घर में इतना कुछ हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, बल्कि मुझसे छुपाया जाता है। नेहा घर आई हुई थी, जाते हुए मुझे कोई बता ही देता। अम्मी आपको इसलिए नहीं बताया था कि आप सबा के बेटे को खुशी खुशी देखने जा रही थी। नेहा से मिलनी थी तो आपकी खुशी अधूरी रह जाती।